कैसे हैं आप सब? हो अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो शाम हो गई है, 5:30 बज रहे हैं और पूजा मैंने कर ली हैगी। जा रही हूँ शाम को खाना वगैरह बनाने। आज सुबह से वीडियो नहीं शुरू करा था, सोचा आप वीडियो शुरू कर लूँ, आप लोगों से बात कर लूँ। और आज खूब सारा तेल डाला मेरे सिर में, देख रहा हूँ आप लोगों को, खूब अच्छे से तेल डाल लिया आज। तेल नहीं डाला तो बाल रुके रुके से लगते हैं, उड़े उड़े से लगते हैं। तो बस तेल वगैरह डाली, आज बनाऊंगी बेसन की गुलर गट्टे, जो कि आप लोग जो बोलते हो, हमारे यहाँ गुलर ही बोलते हैं, बेसन के गुलर, वो बनाऊंगी। और बस सारा सिंपल खाना बनाऊंगी और कुछ नहीं है। और आज हमारे यहाँ सुबह से बादल हो रहा है खूब, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मौसम ख़राब हो रहा है हमारे यहाँ, हल्का हल्का सा ऐसा अभी से लग रहा है कि कितने दिन वो हो गया, लेकिन अभी 5:30 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बस पहले अपनी चाय पीऊँगी लेमन टी, उसके बाद खाने में लगूँगी। तो सोचा आप लोगों से पहले बात कर लूँ, वीडियो शुरू कर लूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड आ गई अपने किचन में, लेमन टी बनाई है मैंने और सब्जी की तैयारी भी कर रही हूँ। बेसन के जो गुलर बनाए थे वही उसकी तैयारी कर रही हूँ। टमाटर और प्याज वगैरह कट कर रही हूँ, उसमें मिक्सी में डाल दूँगी। मिक्सी संभाल आई है मेरी, तो बस मिक्सी में पीसूँगी। तो जल्दी बढ़ रही है, मौसम कुछ ख़राब सा हो रहा है हमारे यहाँ। तो चाय लेके थोड़ा गेट पर आ गई, देखा मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, देख रहे होंगे आप पीछे बादल बहुत हो रहे हैं। तो सब्जी फिर आकर के अपनी रसोई दोबारा सब्जी तैयारी करने लगी। मतलब बेसन के गुलर बनाए थे, उन्हें उबाल लिए हैं, निकाल लिए, कट कर लिए हैं इन्हें। तो सब्जी छौंक दी, थोड़े से रूखे निकाले थे चाय के साथ खाने के लिए, अच्छे लगते हैं। और इसमें बेसन का पानी मिला दी, तो सब्जी 5 मिनट के अंदर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सुबह काम सारा हो चुका है मेरा, मैं इधर आ गई हूँ अब उससे बात करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए। बेसन की सब्जी बनाई थी आज मैंने, बेसन की गुलर, आप लोगों को क्या कहा जाता है बताना कमेंट द्वारा। और कहीं कहीं तो गट्टे कहे जाते हैं बेसन के गट्टे, कहीं बेसन के, हमारे यहाँ बेसन के गुलर कहे जाते हैं। तो बस यही बनाया था मैंने, सारा सिंपल खाना था। बेसन की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी, थोड़े से चावल बनाए थे। हसबैंड जी बोले थोड़े से चावल बना लेना, तो बस थोड़े से चावल बनाए थे। गर्मी में चावल तो हमारे आए दिन बनते ही रहते हैं, एक या एक दिन ही छूटता होगा, नहीं तो चावल तो रोज के ही हैं। तो बस वही सब सारा सिंपल खाना बनाया है, तो खा पी चुके हैं कि मैंने नहीं खाया, अभी मैं रुक के खाऊंगी, क्योंकि मुझसे जल्दी नहीं खाया जाता है खाना बनाने के तुरंत बाद, उससे जल्दी नहीं खाया जाता है। तो मैं थोड़ी देर बाद रुक के खाऊंगी खाना, तो सोचा पहले आप लोगों से बात कर लूँ, वीडियो एंड कर लूँ। और आज तो पहले मैं वीडियो देख रही थी, तो हैं एक सब्सक्राइबर, मतलब यूट्यूबर हैं वो मेरी सब्सक्राइबर, मैं उनकी हूँ। उनका भी फर्स्ट टाइम पूरा हो गया, सुनकर बहुत खुशी हुई कि चलो उनकी मेहनत रंग लाई। काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रही थी वो बेचारी, कह भी रही थी कि यूट्यूब पर अगर लक है तो सब कुछ है, और अदरवाइज नहीं तो किसी का सपोर्ट है यूट्यूब के, यूट्यूब पर तो आप जल्दी कामयाब हो जाओगे, नहीं तो फिर तो लक के सहारे, ये लक के लक है आपका तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, नहीं तो सब मेहनत भी करते रहेंगे और मेहनत देर से रंग ले भी आती है। तो उनकी मेहनत रंग ले आई, उनको फर्स्ट टाइम पूरा हो गया, बहुत अच्छा लगा। किसी को देखते हुए ऐसा लगता है चलो आज इनका हुआ तो कल हमारा भी हो जाएगा, इसलिए लगे रहते हैं वीडियो बनाते रहते हैं, कोशिश ये करते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो दें। सो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट के लिए वीडियो ज़रूर देखा करें, किसी की सही वजह ये नहीं करें कि मेरी ही, किसी की भी, जिसकी भी ओपन करें वीडियो, तो प्लीज़ उसे 2 मिनट का समय ज़रूर दें। हमारा आप एक दूसरे का साथ देंगे तो कामयाबी मिल ही जाएगी, आज आपको तो कल हमें भी है। सुबह सबसे यही हूँ मेरी वीडियो देखें, सो प्लीज़ कम से कम 2-2.5 मिनट का टाइम तो दे ही दे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घर का काम भी है, वीडियो भी एडिट है, सब काम करने पड़ते हैंगे। तो बस उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।